और हमारे घर के जट सामने पानी की टंकी आज 20 साल से बनी है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक उस पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये व्यक्तिगत पीड़ा है। हम दूसरी बार सांसद हैं, मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे, लेकिन हम अपने ही घर के सामने की पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट निकाल दी, जिसमें कई उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें रिपीट किया गया और कई के पत्ते साफ हुए हैं। इसी के साथ इसमें एक चर्चा बेहद तेज हो रही है। जी हाँ, स्टार्टिंग का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि हम बात सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर इनकी चर्चा क्यों ज्यादा की जा रही है और इसकी वजह क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। दरअसल इसकी शुरुआत होती है ओम प्रकाश राजभर से, जो बीते कई महीनों से मंत्री पद की आस में बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। इन दिनों उनके सुर जो हैं कुछ बगावती नजर आ रहे हैं। हाल ही में बलिया के सिकंदरपुर पहुंचे राजभर ने बीजेपी की ही प्रत्याशी पर भरे मंच से विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी के लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार और वर्तमान सांसद रविंद्र कुशवाहा के काम को लेकर उन्हें घेरना शुरू किया। साथ ही उन्होंने एक कारोबारी और समाजसेवी राजेश सिंह दयाल की भी भरे मंच से तारीफ कर दी। राजेश सिंह दयाल कौन है और राजभर ने उनकी तारीफ क्यों की, वो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन इससे पहले सुनिए कि सिकंदरपुर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने बिना नाम लिए रविंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कहा। कुछ साथी बता रहे विरोधियों के विषय में क्या कहें, सत्ता में रहते हुए कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। इसी धरती पर एक नेता, आपने देखा होगा कि गरीबों के बीच में घूम घूम करके, गरीबों के चाहे ऑपरेशन का सवाल हो चाहे इलाज का सवाल हो, बिना सदन में गए ही लाखों गरीबों का इस धरती पर इलाज कराने का काम किया। बोलो कराया कि नहीं कराया? उसका नाम राजेश सिंह दयाल है कि नहीं? बोलो कराया कि नहीं कराया? बिना सत्ता में गए वो व्यक्ति की मंशा थी कि ओम प्रकाश राजभर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो ये गरीबों की लड़ाई लड़ता है, हम सत्ता से जो होगा वो होगा, बिना सत्ता के भी अपनी ताकत इन गरीबों के बीच में इनके कल्याण के लिए लगाने का काम करूंगा। तो सुना आपने, राजभर कह रहे हैं कि सत्ता में रहकर कुछ करने की हिम्मत तो है नहीं। दरअसल कुछ समय पहले सलेमपुर से बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा का एक वीडियो काफी चर्चा में आया था। ये वीडियो 13 फरवरी 2023 का सदन का था। खुद सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भी इसे शेयर किया है, जिसमें वो अपना दर्द बयां करते सदन में नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद ने सदन में कहा था कि मेरे पिताजी सदन के 4 बार सदस्य रह चुके हैं, मैं खुद भी 2 बार से सांसद हूं और स्वयं दिशा का चेयरमैन भी हूं, लेकिन फिर भी पिछले 20 साल से अपने घर के सामने बनी पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहा हूं। हर घर तक नल के द्वारा जल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है, तमाम काम पूरे हो जा रहे हैं, पानी की टंकियां बन जा रही हैं, लेकिन बनने के बाद इन टंकियों को चलाने का जिम्मा नगर पंचायत और ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया जाता है। क्योंकि नगर पंचायत और ग्राम पंचायत के पास इन पानी टंकियों के संचालन के लिए कोई अपना टेक्निकल स्टाफ नहीं है, जिसके कारण ये पानी की टंकियां बंद करके जिस उद्देश्य के लिए कि लोगों तक पानी पहुंचे, वो योजना सफल नहीं हो पा रही है। और मैं व्यक्तिगत अपना कारण भी कहना चाहता हूँ, इसी सदन में मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे, ओ माननीय सभापति जी, और हमारे घर के जट सामने पानी की टंकी आज 20 साल से बनी है, लेकिन एक बूंद पानी आज तक उस पानी की टंकी से सप्लाई नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये व्यक्तिगत पीड़ा है। हम दूसरी बार सांसद हैं, मेरे पिताजी 4 बार सांसद थे, लेकिन हम अपने ही घर के सामने की पानी की टंकी को चालू नहीं करा पा रहा है। हम जिले के दिशा कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, बहुत बार कहने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है। इसलिए सदन के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि ये नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में जो पानी की टंकियां बन रही हैं, उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की भर्ती किया जाए, और नहीं तो जिस योजना को लेकर प्रधानमंत्री जी श्री आसामी वो काम पूरा नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।
तो सदन में 13 फरवरी 2023 को रविंद्र कुशवाहा ने अपना दर्द ये घर के सामने वाली टंकी का साझा किया। हालांकि अगर आप इसके करंट स्टेटस की बात करें तो हमारे देवरिया से संवाददाता बताते हैं कि अभी इस टंकी का काम अंडर प्रोसेस ही है। अब जान लीजिए कि राजेश सिंह दयाल कौन है। दरअसल राजेश सिंह दयाल एक बड़े कारोबारी और समाज सेवी, उन्होंने कोरोना के टाइम पे बहुत काम किया। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि ओपी राजभर सलेमपुर लोकसभा सीट सुभा सपा के लिए मांग रहे थे और वो इस सीट पर राजेश सिंह दयाल को लड़वाना चाहते थे। राजभर के परिवार के राजेश सिंह दयाल के साथ पारिवारिक संबंध भी हैं। बहरहाल राजभर के बगावती सुरों को बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बयान को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने देती है। लेकिन आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए पढ़िए यूपी तक की वेबसाइट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और तमाम ऐसे वीडियोज और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।